नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये एक शक्करकोरा पक्षी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस पक्षी को शक्करकोरा पक्षी भी कहते हैं, आग पूछ सूर्य पक्षी भी कहते हैं, पुष्प सूंघनी भी पक्षी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल कहानी है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरे ध्यान से और गौर से सुनता है, उसके जीवन में श्री खाटू वाले श्याम बाबा की असीम कृपा प्राप्त होती है। शीश के दानी श्री श्याम धनी की असीम कृपा उस व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति इस कहानी को ध्यान से और गौर से सुनता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है। जो लोग कहानी को आधी अधूरी सुन करके छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है। प्रिय दर्शकों, और आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ये खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, शीश के दानी श्री खाटू श्याम जी महाराज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। प्रिय दर्शकों, जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ, उसी के साथ भीम का पुत्र घटोत्कच एक राक्षसी का पुत्र था। भीम की पत्नी एक राक्षसी थी, उसका पुत्र घटोत्कच हुआ, वो भी बलिष्ठ बलवान एक राक्षस था। उसका पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, बर्बरीक ही वो है जो खाटू श्याम है। प्रिय दर्शकों, गदाधारी भीमसेन के यानी पोते हैं श्री खाटू श्याम जी, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था। प्रिय दर्शकों, महाभारत के पूरे युद्ध को बर्बरीक अपनी खुली आंखों से देख रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण बर्बरीक के मस्तिष्क को खाटू नगर में पूजवा देते हैं और उनकी पूजा हो जाती है और श्री कृष्ण बर्बरीक को ये वरदान देते हैं कि आज के बाद तुम्हें लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और जो भी तुम्हारी सच्चे मन से आराधना करेगा, जो भी तुम्हारे दर पे सच्चे मन से आएगा, उन सभी की मनोकामना आप पूरी करोगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद से श्री खाटू श्याम जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो। जो भी खाटू श्याम के दरबार में जाता है, सच्ची मन से और सच्ची लगन से उनकी आराधना करता है, तो प्रिय दर्शकों, श्री खाटू वाले श्याम धनी शीश के दानी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस वक्त बर्बरीक को खाटू नगर में पूजवाया गया और इनकी पूजा आराधना शुरू की गई, उस समय खाटू श्याम के मंदिर में कोई पंडित कोई पुजारी नहीं था। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू नगर में स्थापित कर दिया और इनकी पूजा अर्चना शुरू करवा दी, लेकिन इनके मंदिर में कोई पंडित कोई पुजारी नहीं था, कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण इनको खाटू नगर में स्थापित करने के बाद अपने धाम को चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब खाटू श्याम जी के मंदिर में रोज एक शक्करकोर पक्षी आता और इनके मंदिर की घंटियों से खेलता और इनके मंदिर की घंटियों को बजाता। रोज शाम सुबह खाटू वाले श्याम की पूजा आराधना किया करता। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से शक्करकोर पक्षी रोज का नित्य नियम बना लेता है। वो रोज खाटू श्याम जी के मंदिर में आता, रोज घंटियों को बजाता और पूजा आराधना करता। इसी तरीके से इसका रोज का नित्य नियम था। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से काफी वर्ष निकल जाते हैं, दिन भर अपना दाना पानी करने के लिए इधर उधर जाते। प्रिय दर्शकों, ये शक्करकोर जो पक्षी होता है ये कीड़े मकोड़े नहीं खाता है, ये सिर्फ फूलों का रस लेता है, इसको फूल सूंघनी भी कहते हैं। कीट पतंगों का ये सेवन नहीं करता है, सिर्फ ये शुद्ध शाकाहारी एक पक्षी है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, ये पक्षी खाटू श्याम के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जंगल की तरफ चले जाता है और जंगलों में जाकर के वृक्षों के फूलों से अपना भोजन ग्रहण करता है। लेकिन उसी जंगल में एक राक्षस रहता था,
बुराक्षस इस पक्षी की सुंदरता को देखकर, इसकी चमक धमक को देखकर और इसके पीछे पड़ जाता है। बुराक्षस अपने मन में यह ठान लेता है कि इस पक्षी को मार के एक बार जरूर खाऊंगा, क्योंकि यह पक्षी इतना सुंदर था कि इसकी सुंदरता को देखकर राक्षस इसको पाना चाहता है, इसको खाना चाहता है। इसीलिए वो राक्षस इस शक्करखोर पक्षी के पीछे पड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, अब शक्करखोर पक्षी इधर उधर उस राक्षस से बचता हुआ खाटू श्याम के मंदिर में संध्या काल के समय पहुंचता है। मंदिर में जाकर के उस दिन वो घंटिया वगैरह कुछ नहीं बजाता है, सीधा खाटू श्याम के चरणों में जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे वहां पे पाठ पूजा करता है, धीरे धीरे आरती गुनगुनाता है। शक्करखोर पक्षी की ऐसी मजबूरी को देखकर श्री खाटू वाले श्याम प्रकट होते हैं और शक्करखोर पक्षी से कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, आप बताइए आपकी मजबूरी क्या है। हर दिन आप बड़े जोर शोर से मेरी आरती पूजा किया करते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण आज तुमने मंदिर की घंटी तक नहीं बजाई और धीरे धीरे चुपके चुपके आरती पाठ पूजा कर रहे हो। प्रिय दर्शकों, वो महीना फागुन का महीना था, जिस महीने में वो राक्षस शक्करखोर पक्षी के पीछे पड़ा हुआ था। प्रिय दर्शकों, जब इतनी बात खाटू वाले श्याम शक्करखोर पक्षी से कहते हैं, तब शक्करखोर पक्षी वो पूरी घटना सुनाता है। वो कहता है कि प्रभु, इस जंगल में एक राक्षस रहता है, अब वो राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है। वो राक्षस काफी पक्षियों को खा चुका है, काफी जानवरों को मार के खा चुका है और वो राक्षस अब हमारे पीछे पड़ गया है। प्रभु, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए उस राक्षस से बचने के लिए आज हमने मंदिर की घंटी तक नहीं बजाई है, हम धीरे धीरे चुपके चुपके पाठ पूजा कर रहे हैं। यदि राक्षस मंदिर की घंटी को सुनेगा तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा, इसलिए हम मंदिर की घंटियों को नहीं बजा रहे हैं। शक्करखोर पक्षी की इतनी बात सुनने के बाद श्री खाटू वाले श्याम शक्करखोर पक्षी से कहते हैं कि भक्त, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी समस्या का समाधान हम करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, खाटू वाले श्याम शक्करखोर पक्षी को एक वरदान देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऐसा वरदान देते हैं जिसे तुम्हें राक्षस तो क्या, इस संसार में कोई भी प्राणी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तब खाटू वाले श्याम शक्करखोर पक्षी को ऐसा वरदान देते हैं, कहते हैं कि फागुन के महीने में तुम अदृश्य रहोगे, तुम सबको देख सकते हो लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकता। इस तरीके का अजीबो गरीब शक्करखोर पक्षी को खाटू वाले श्याम वरदान देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस शक्करखोर पक्षी को खंजन पक्षी भी कहा जाता है। आज भी ये पक्षी फागुन के महीने में अदृश्य हो जाता है, फागुन के महीने के अंत तक ये पक्षी अदृश्य रहता है, इसको कोई नहीं देख सकता। और ये पक्षी सब दुनिया को देख सकता है लेकिन इस पक्षी को कोई नहीं देख सकता। जैसे ही फागुन मास शुरू होता है, इसके सर पे एक कलंगी होती है, इसके सर पे एक कलंगी आती है। प्रिय दर्शकों, ये कलंगी एक माह के लिए रहती है, यानी फागुन फागुन के पूरे महीने इस शक्करखोर पक्षी के सर पे रहती है, और जब तक ये कलंगी इसके पास होती है तब तक ये अदृश्य होता है, तब तक ये किसी को भी दिखाई नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, जैसे खाटू वाले श्याम धनी इस शक्करखोर पक्षी को ये वरदान देते हैं तो ये पक्षी अदृश्य हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, अदृश्य होने के बाद ये पक्षी बड़े आराम से श्री खाटू वाले श्याम की जोर शोर से पूजा अर्चना करता है, अरबो राक्षस इसको देख नहीं पाता। जब ये राक्षस के पास जाते हैं, राक्षस के इधर उधर गालों पे चांटे मारते हैं, लेकिन राक्षस को कुछ दिखाई नहीं देता है कि उसको चांटे कौन मार रहा है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उस राक्षस की दोनों आंखें फोड़ देते हैं और उस राक्षस को खत्म कर देते हैं। इसकी जो चोंच होती है बड़ी नुकीली होती है, बड़ी पैनी होती है, बड़ी धारदार होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये राक्षस की दोनों आंखें फोड़ देते हैं और अंत में राक्षस को खत्म कर देते हैं। श्री खाटू वाले श्याम धनी के ऐसे अजीबो गरीब वरदान से आज भी ये शक्करखोर पक्षी फागुन के महीने में अदृश्य रहता है, फागुन के महीने में इस पक्षी को कोई नहीं देख सकता।
और ये दुनिया को देखता है लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि जो भी बंदा शेष के दाने की इस कहानी को बड़े ध्यान से और लगन से सुनता है, तो प्रिय दर्शकों, श्री खाटू वाले श्याम धनी उस व्यक्ति पर असीम कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन से समस्त पीड़ा को दूर कर देते हैं। ये पक्षी बड़ा सुंदर होता है, बड़ा छोटा होता है, इसकी चोंच बड़ी नुकीली होती है, इसको खंजन पक्षी भी कहते हैं, इसको शक्करखोर पक्षी भी कहते हैं, इसको फूल सूंघनी भी पक्षी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बड़ा चमत्कारी होता है। कई साधु संन्यासी लोग जिनको इस विषय के बारे में मालूम है, वो लोग इस पक्षी की तलाश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि फागुन मास आने से पहले इस पक्षी को वो गिरफ्तार करें और किसी ऐसे पिंजरे में रखें जिसमें ये जीवित रह सके, और जब प्रिय दर्शकों फागुन महीना लगता है तो ये पक्षी उस पिंजरे में अदृश्य हो जाता है। तब वो साधु संन्यासी लोग उस पिंजरे में अपने हाथ डालकर इस पक्षी को टटोलते हुए पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिखाई तो ये देता नहीं है, इसलिए उस पिंजरे में हाथ डालकर अपने हाथ को उस पिंजरे में चारों तरफ घुमाते हैं। जब ये पक्षी उनके हाथों में आता है तब प्रिय दर्शकों इसके सर से उस कलंगी को निकाल लेते हैं, जिस कलंगी की वजह से ये पक्षी अदृश्य होता है। उस कलंगी को निकालने के बाद ये पक्षी दिखने लग जाता है और इस पक्षी को फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके सर से निकाली हुई कलंगी को किसी चांदी या सोने की डिबिया में बनाकर वो लोग अपने मुख में रखते हैं। जब अपने मुख में रखते हैं तो वो लोग अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग किसी को दिखाई नहीं देते हैं, और वो लोग सब दुनिया को देख सकते हैं लेकिन वो लोग किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा चमत्कारी पक्षी होता है। आपने पहले के जमाने के लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो लोग अदृश्य हो जाते थे। प्रिय दर्शकों, ये इसी खंजन पक्षी का, इसी शक्करखोर पक्षी का एक चमत्कारी किलंगी होती है। उस किलंगी को ये लोग प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद ये दुनिया को ऐसे घुमरा, ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हैं। कई कई बार तो ये लोग गलत कार्य भी करते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस खंजन पक्षी की, इस शक्करखोर पक्षी की कलंगी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो प्रिय दर्शकों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसके चमत्कार का कभी भी गलत फायदा ना उठाएं। हो सके जितना परमार्थ का कार्य करें, अपने भले के लिए करें, किसी जीव जंतु के भले के लिए करें, इसका कभी भी गलत फायदा ना उठाएं। यदि आप गलत काम करेंगे, इसके चमत्कार को, इनकी शक्तियों को पाकर यदि आप गलत काम करेंगे, तो प्रिय दर्शकों उसका भुगतान आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, आपकी आने वाली संतान को भी करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।